आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट अपने स्टाइल में, थोड़ा सा स्पाइसी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चिकन को मैरिनेशन कैसे करनी है। ये हमने चिकन ले लिया, ऑलमोस्ट 1.5 केजी है ये। इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और इस तरह से मैंने इसको कट्स लगाए हैं चिकन को, डीप कट्स। ठीक है, इस तरह से आप सारे पीसेस पे डीप कट्स लगा लीजिए। उसके बाद मैरिनेशन के लिए ये है 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये क्रश्ड है, मैंने खुद घर में बनाया। ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्रश्ड पेपर। हम थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप इसको कम भी कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून शुगर और 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, इन दोनों को मिक्स कर लिया है। और ये है क्रश्ड रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है ऑलमोस्ट, ये भी होममेड है। और ये विनीगर है, प्लेन विनीगर लिया है सिरका, ये ऑलमोस्ट 2.5 टेबलस्पून है। ये सब चीज़ें अब मैं इसमें ऐड करूँगी। शुगर से चिकन जो है वो आपका सॉफ्ट रहेगा और जूसी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चिकन की मैरिनेशन हो गई है, इसको मैंने रख दिया है और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन, आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम आप 1 आवर दीजिए इसको मैरिनेट होने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कोटिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो बता देती हूँ। तो इसमें ये देख लीजिए, हमने एक कप मैदा ले लिया, इसकी हाफ क्वांटिटी में हमने कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्न फ्लावर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी अवेलेबल है घर में। और ब्लैक पेपर क्रश्ड है, घर में ही क्रश्ड कीजिएगा। और ये क्रश्ड रेड चिली, ये ओट्स, जितना क्वांटिटी कॉर्न स्टार्च की है उतनी ही क्वांटिटी में आप ब्रेड क्रम्स और ओट्स, जो घर में अवेलेबल हो ओट्स, वो आप ले लीजिए। ठीक है, मतलब अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो 1/2 कप आपने कॉर्न स्टार्च लिया, 1/2 कप आपने ब्रेड क्रम्स लिए और 1/2 कप आपने ओट्स लिए। मिक्स करके रख दीजिए। और 2 एग हमने लिए हैं, इनको हमने बीट कर लिया है 4 टेबलस्पून मिल्क डालकर। इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे। सिवाय एग के हम सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे, इस बड़े बोल में, क्योंकि इसमें ही हम फिर चिकन को डालेंगे कोटिंग के लिए, इसलिए हम थोड़ा बड़ा। अगर आपके पास क्रश पेपर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा कोटिंग मटेरियल है, इसमें हमें चिकन को कोट करना है। इसी से आपका चिकन क्रंची क्रिस्पी बनेगा। इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चिकन की कोटिंग किस तरह से करनी है आपने। ये चिकन हमारा मैरिनेट था, ओवरनाइट मैंने किया था, और मैंने आपको बताया था कि आप मिनिमम 1 आवर भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप ओवरनाइट करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2-4 घंटे जितना भी आप रख सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, इसको पहले हम, ये हमारा जो है, ये जो मैंने कोटिंग मटेरियल आपको बताया था, और ये बीटन एग विद मिल्क। ठीक है, ये सब अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको कोट करना है। इसको ऐसे करेंगे कि हर पीस को हमने इस तरह चिकन में डिप किया और फिर इस कोटिंग में डाल देंगे। ठीक है, इस एग में डिप किया और इस तरह इसमें डाल देंगे। इसमें डिप करके इसको अच्छे से इसमें कोट कर दीजिए।
ठीक है। फिर आप इसको एक प्लेट में साइड के रखते जाइए। इसकी कोटिंग कर ली थी, इसको मैं फ्राई कर लूंगी इसमें, ठीक है। ऑयल है आपका ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपका चिकन एकदम से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि आपका चिकन कच्चा रहे, ठीक है। इस तरह से आप इसको डाल दीजिए, मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेंगे अच्छे से फ्राई करने के लिए, ताकि चिकन आपका अच्छे से अंदर तक पक जाए। हमारा चिकन रेडी हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे।